गुड मॉर्निंग बच्चों, DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास वन का हिंदी पढ़ेंगे, अध्याय छ में है ये छोटा उ की मात्रा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसका प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता था उसको याद करने के लिए हम दिए थे, ठीक है। फिर लिखा है चित्रों को पहचान कर सही नाम लिखिए। ये यहाँ पर चित्र दिया है, इसको पहचान कर यहाँ पर क्या लिखना है उसका नाम। ये किस चीज़ का चित्र है? पुड़िया गुड़िया। क्या चीज़ का चित्र है? गुड़िया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? गुड़िया। ग में कौन सा मात्रा लगा है? छोटा उ का। कछुआ मछली किस चीज का चित्र है? कछुआ। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे? कछुआ। फिर ये किस चीज का चित्र है? गुलाब या मुर्गा। क्या है? गुलाब है नहीं, मुर्गा है। मुर्गा लिखा है सही स्थान पर छोटा उ की मात्रा लगाइए। जामन है, जामन। तो क्या हो जाएगा? जामनू। न में लगेगा कि जा में लगेगा कि म में लगेगा? ये हम लोग छोटा उ की मात्रा लगाकर उसका सही अर्थ निकले उसमें लगाएंगे। जा में नहीं लगेगा, म में लगेगा कि न में? अगर न में लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, तो म में लगेगा। तो क्या हो जाएगा? जा मू न जामू। फिर चहिया है तो क्या हो जाएगा? चूहिया। जराब है तो क्या हो जाएगा? जुराब। दुकान है तो क्या हो जाएगा? दुकान। सभी में छोटा उ की मात्रा लगेगा, द में, ज में। दातन है क्या हो जाएगा? दातून। साबुन है तो साबुन। धनुष है तो धनुष। बटवा है तो बटुआ। ठीक है बाबू, ऐसे ही हम लोग छोटा उ की मात्रा लगाएंगे। फिर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर अलग अलग वर्ण दिया है, उसको जोड़कर क्या हम लोग को बनाना है? नया शब्द। ब जोड़ छोटा उ की मात्रा जोड़ न, तो क्या हो जाएगा? बून। क जोड़ छोटा उ की मात्रा जोड़ ल बराबर कूल। म जोड़ ध जोड़ छोटा उ की मात्रा जोड़ र, तो क्या हो जाएगा? मधुर। ध जोड़ छोटा उ की मात्रा जोड़ न, तो क्या हो जाएगा? धून। ग जोड़ छोटा उ की मात्रा जोड़ न बराबर गुण। क जोड़ छोटा उ की मात्रा जोड़ र जोड़ ता बराबर कुर्ता। ठीक है बेटा, यहाँ पर अंतर समझना है। कल है, कल में अगर छोटा उ की मात्रा लगा दे तो क्या हो गया? कूल। अंतर हुआ ना? खर है, खर। खर में छोटा उ की मात्रा लगा तो खूर। पल है, पुल। जग है, जूग। छप, छूप। जड़, जू। कहने का मतलब है कि जब हम लोग ये शब्द है, शब्द में अगर छोटा उ की मात्रा जोड़ दिए तो एक और नया शब्द बन गया। ठीक है बाबू, ये सब याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग बड़ा उ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे।